नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश शर्मा आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने एक कहावत जरूर सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, जिसका अर्थ होता है दो लोगों के बीच बहुत अधिक अंतर होना या फिर किन्हीं दो लोगों के बीच बेमेल तुलना। आइए आज हम सुनते हैं उस राजा के बारे में जिनके साथ ये कहावत जुड़ा हुआ है। आइए हम सुनते हैं राजा भोज के बारे में। राजा भोज कौन थे? भारतीय इतिहास में सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाओं की अग्रिम पंक्ति में अपनी पहचान बनाने वाले सहनशील, दयालु, प्रजापालक, वीर प्रतापी आदि गुणों के स्वामी थे राजा भोज। वीरता, साहस और न्याय प्रियता की जीवंत मूर्त राजा भोज उस समय केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में प्रचलित थे। वैसे तो भोज नाम से और भी कई राजा हुए, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं उन राजा भोज की जिन्होंने अपनी राजधानी उज्जैनी के बदले धार को बनाया था। परमार वंश के इस राजा का जन्म सन 980 में महाराजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैनी में एक राज परिवार में हुआ। 15 वर्ष की छोटी आयु में ही उनका राज्य अभिषेक मालवा के राज सिंहासन पर हो गया था। अल्प आयु में ही सिंहासन रोहण के समय महान राजा भोज चारों ओर शत्रुओं से घिरे थे। उत्तर में तुर्कों से, उत्तर पश्चिम में राजपूत सामंतों से, दक्षिण में विक्रम चालुक्य से, पूर्व में युवराज कलचुरी से तथा पश्चिम में भीम चालुक्य से उन्हें लोहा लेना पड़ा। उन्होंने एक एक करके सबको हराया। तेलंगाना के तेलप और तिरहुत के गंगे देव को हराने के बाद एक कहावत प्रचलित हुई जिन्हें लोग आज भी प्रयोग करते हैं, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस कहानी को आपने पसंद किया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे इसी तरह एक नई वीडियो एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।